असम के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता हेमंत बिस्वा सरमा ने गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की तरह दूसरे धर्म के लोगों को भी एक ही शादी का अधिकार होना चाहिए। सरमा ने कहा, जिस तरह हिंदू एक ही शादी कर सकते हैं, उसी तरह दूसरे धर्मों के लोगों पर भी यही नियम लागू होना चाहिए। असम के सीएम ने इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत बताई। हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा, अभी आप देखिए, एक व्यक्ति है वह दो दो तीन तीन शादी कर लेता है, लेकिन आप क्यों शादी करेंगे तीन तीन, आप क्यों शादी करेंगे चार चार। देश में यदि हिंदू एक शादी करता है तो बाकी धर्म के लोगों को भी एक ही शादी करना पड़ेगा, आप कैसे दो तीन शादी करेंगे। आज इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, महिलाओं का सम्मान चाहिए। घर में यदि एक बेटा है और एक बेटी है तो जो बेटे का अधिकार है वही बेटी को भी मिलना चाहिए। गौरतलब है कि गुजरात में सरकार बनने पर भाजपा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया है। इससे पहले उत्तराखंड में भी भाजपा यह दाव चल चुकी है। अभी आप देखिए, एक व्यक्ति है कोई बात नहीं, दो दो तीन तीन साढ़े चार शादी कर लेता है, पर क्यों आप शादी करेगा तीन तीन, आप क्यों शादी करेगा चार चार। देश में अगर हिंदू एक शादी करता है तो बाकी धर्म का लोग भी एक ही शादी करना पड़ेगा, अब कैसे दो दो तीन तीन शादी करेगा। इसीलिए आज हमें ये बोल रहा हूं कि देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। अगर घर में एक बेटा है और एक बेटी है, बेटा का भी जो अधिकार है बेटी को भी वो अधिकार मिलना चाहिए। अगर एक पुरुष है एक महिलाओं को आप शादी कीजिए, दो दो तीन महिलाओं को आप शादी मत कीजिए। आज हमें देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, वो भी कौन ला सकेगा, खाली बीजेपी ही ला सकेगा, कांग्रेस वाला लोग कभी ये नहीं लाएगा। किसलिए, अभी कांग्रेस कभी नारियों का सम्मान नहीं किया था और आगे भी जाके सम्मान नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टॉप स्टोरी न्यूज।